बच्चेदानी बाहर आने की पहचान कैसे करें? बच्चेदानी बाहर, जैसे अपने नॉर्मल रहते तो अपने को नीचे से कुछ दिखता नहीं है, अपने यूरिन पास करने जा रहे हैं या लैट्रिन करने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो नीचे, लेकिन अगर प्रोलैप्स वाले जो मरीज होंगे, अगर बच्चेदानी नीचे खिसकेगी तो अपने को कुछ बाहर दिखेगा, बजाय ना कि बाहर एक मास जैसा सा दिखेगा, या आप लैट्रिन करने जा रहे हो, जोड़ लगा रहे हो तो बाहर दिखेगा, या पेशाब करने जा रहे हो तो आपको कुछ नीचे से वेजाइना के थ्रू बाहर दिखेगा, या कई बार बाहर ना होके वेजाइना में भी रह सकते हैं तो आपको थोड़ा सेंसेशन फील होगा कि कुछ बाहर निकल रहा है, तो प्रोलैप्स में आपको ऐसे पहचान कर सकते हो कि हमें कुछ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। मोस्टली पेशेंट इस कंप्लेन से आते हैं। मां, प्रोलैप्स का इलाज क्या है? देखो, प्रोलैप्स का इलाज, प्रोलैप्स का बीमारी आपको समझ आ गया कि ये शरीर का नीचे खिसकना या लैट्रिन का थैली या पेशाब का थैली नीचे खिसकना प्रोलैप्स होता है। अब इसका इलाज कोई दवा नहीं है। अगर आपको प्रोलैप्स थोड़ा बहुत है, इसका ग्रेडिंग होता है कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। फर्स्ट में तो क्या होता है कि वजाइना के अंदर अंदर ही शरीर रहता है, मतलब जो भी प्रोलैप्स चीज हो रही है वो अंदर ही रहेगी। सेकंड में ये वजाइना के बाहर अपने को वजाइना वाले लेवल पे दिखता है, थर्ड में इसके बाहर आता है और फोर्थ में वो पूरा ही बाहर आ जाता है। तो जो अगर फर्स्ट स्टेज तक है तो अपने कुछ एक्सरसाइज होती है उनको हम करके इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड या इससे ज़्यादा का है तो फिर इसका सर्जरी होता है। दवा इसका कोई इलाज नहीं है, दवा से कोई इलाज नहीं है प्रोलैप्स का।